दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के तीसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। दूसरे वीडियो में हमने ट्रेंड ट्रेंड लाइन और उसके उपयोग के बारे में जानकारी ली। इस वीडियो में हम चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे। लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में जब विशेष आकार यानी शेप बनता है उसे चार्ट पैटर्न कहते हैं। पैटर्न को देखकर स्टॉक की कीमत भविष्य में किस प्रकार बदलेगी इसकी ज्यादा सटीक जानकारी मिलती है। इसलिए सबसे पहले चार्ट पर कहीं कोई पैटर्न बन रहा है क्या ये देखना चाहिए। इंडिकेटर से भी बढ़कर पैटर्न का परिणाम होता है, इसलिए पहले पैटर्न को देखना चाहिए। चार्ट में कई प्रकार के पैटर्न होते हैं। हम यहाँ सिर्फ उन पैटर्न की जानकारी लेंगे जो आसानी से पहचाने जा सकते हैं और ज्यादा अच्छा परिणाम देते हैं। पहले हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे। यह पैटर्न अपट्रेंड के अंत के बारे में जानकारी देता है, इसलिए ये पैटर्न होने के पहले स्ट्रांग अपट्रेंड होना जरूरी है। मतलब बहुत दिन तक या सप्ताह के लिए स्टॉक की प्राइस अपट्रेंड में चाहिए, या तो स्टॉक की प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके बाद स्केच में दिखाया है वैसे तीन टॉप बनते हैं, जिसमें बीच का टॉप काफी हाई कीमत का रहता है और उसके दोनों बाजू में कम कीमत के टॉप बनते हैं। बीच के टॉप को हेड कहते हैं और साइड के टॉप्स को शोल्डर्स कहते हैं। कोई भी पैटर्न जब ज्यादा समय चलता है या ज्यादा समय में बनता है तब उसकी परिणाम करने की शक्ति ज्यादा होती है। हेड एंड शोल्डर होते वक्त पहले शोल्डर का वॉल्यूम ज्यादा रहता है। हेड होते वक्त वॉल्यूम पहले शोल्डर के जितना या थोड़ा सा कम रहता है, और जब दूसरा शोल्डर होता है तब वॉल्यूम काफी कम रहता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में दूसरे शोल्डर के बाद स्टॉक की कीमत कम होने लगती है। तब स्केच में जिस तरह से बताया है उस प्रकार दोनों शोल्डर के बॉटम जोड़कर नेक लाइन निकाली जाती है। स्टॉक की प्राइस इस नेक लाइन को तोड़कर कम होती है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। यहाँ स्टॉक या फ्यूचर सेल करने का सिग्नल मिलता है। जब ट्रेंड बदलता है तब वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर नेक लाइन स्लाइटली नीचे के बाजू में झुकी हो, जैसे कि इस स्केच में दिखाई देता है, तो सिग्नल की सच्चाई और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर न हो तो भी नेक लाइन तोड़कर 2 से 3 दिन तक स्टॉक प्राइस अगर नेक लाइन के नीचे रहती है तो भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। पैटर्न सही तरह से देखने के लिए लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट, ये तीनों चार्ट बारी बारी चेक करने चाहिए। इससे ज्यादा अच्छी जानकारी मिलती है। इस स्लाइड में बजाज ऑटो के चार्ट में यहाँ हेड एंड शोल्डर होने के बाद में अप ट्रेंड का परिवर्तन डाउन ट्रेंड में कैसे हुआ है ये दिखाई देता है। दूसरा पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। यह पैटर्न स्केच में बताया है उस तरह से होता है। यह पैटर्न हेड एंड शोल्डर से बिल्कुल उल्टा रहता है। इस पैटर्न के पहले स्ट्रांग डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। इसमें डाउन ट्रेंड के अंत में तीन बॉटम होते हैं। हेड सबसे नीचे रहता है और शोल्डर थोड़े से बड़े कीमत के रहते हैं। दूसरे शोल्डर के बाद नेक लाइन तोड़कर स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगती है, तब अप ट्रेंड शुरू होता है और बाय का सिग्नल मिलता है। उस वक्त वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्केच में हर एक टॉप और बॉटम पे कितना वॉल्यूम होना चाहिए बताया गया है। पहले
शोल्डर में वॉल्यूम ज्यादा है, हेड के लिए वॉल्यूम कम है। दूसरे टॉप के लिए वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन दूसरे शोल्डर के लिए फिर वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब ब्रेकआउट होता है तब वॉल्यूम और बढ़ जाता है। इस स्लाइड में बजाज ऑटो के चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होके डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदला हुआ दिखाई देता है। हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में ये जो पैटर्न हमने अभी देखे और उनकी जानकारी ली, ये सिंपल पैटर्न है। कभी कभी इन दोनों पैटर्न में एक हेड और एक शोल्डर की जगह दो या तीन तीन हेड और शोल्डर्स हो जाता है। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलती है, जैसे डबल हेड और सिंगल शोल्डर्स, ट्रिपल हेड डबल शोल्डर्स, या सिंगल हेड और डबल और ट्रिपल शोल्डर्स। इनको कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर या कॉम्प्लेक्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। इनकी सटीकता सिंपल हेड एंड शोल्डर से अधिक रहती है और बहुत अचूक निर्णय हम ले सकते हैं। दोस्तों, पैटर्न पहचानने के लिए उसमें होने वाले टॉप और बॉटम की स्थिति, नेक लाइन, टॉप और बॉटम के वक्त जो वॉल्यूम होते हैं उनकी स्थिति, और पैटर्न के पहले होने वाला ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, और पैटर्न ब्रेक होते वक्त कितना वॉल्यूम होता है, इन सभी बातों को अच्छी तरह से देखकर और कंफर्मेशन पाने पर स्टॉक या फ्यूचर बाय या सेल करके अच्छा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम और पैटर्न की जानकारी लेंगे। तब तक ये वीडियो देखते रहिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।